आउटडेटेड हो जाना आउटडेटेड, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी आउटडेटेड टेक्नोलॉजी और तीसरा एक्सीडेंट एक्सीडेंट हो गई आग लग गई फट गई मशीन बॉयलर फट गया मशीन ठीक है तो इन तरीके से एक वैल्यू एक एसेट की वैल्यू क्या हो जाती है रिड्यूस हो जाती है, ठीक है और जनरली नॉर्मल वियर एंड टीयर के कारण होती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टेन बोलता है

ये बॉटल हाथ से बनी है क्या ऐसे शेप की खाचे यूज हुएंगे है ना और वो खाचे किसके की होते हैं मशीन को मशीन प्लास्टिक को पिघले हुए प्लास्टिक को उस खाचे में डालती है 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 उसको उसको तुरंत तुरंत सुखाती सुखाती उसके पास वो फीचर होता है, तुरंद उसको तुरंद सुखाती है, और ऐसे छोड़ देती तो है तो बॉटल का शेप बन तो मशीन यूज हुई प्रोडक्शन में तो मशीन में जो खर्चा लगा है वो प्रोडक्शन में आना चाहिए कॉस्ट में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इंक्लूड होना चाहिए दैट्स मशीन का डेप्रिसिएशन एज अ कॉस्ट इनका ऑन प्रोडक्शन लिया जाता है तो डेप्रीसिएशन नथिंग बट अ कॉस्ट ऑफ मशीन जो प्रोडक्शन में यूज हुई इस साल इस साल दिस अकाउंटिंग है ठीक है देखो एमोल्टाइजेशन मतलब क्या होता है एमोल्टाइजेशन अगेन अ थ्योरी क्वेश्चन ठीक है एमोल्टाइजेशन की हमको अकाउंटिंग करनी है एमोल्टाइजेशन मतलब होता है इनटेंजिबल एसेट्स का डेप्रीसिएशन इनटेंजिबल एसेट्स क्या होती है गुड पेटेंट्स कॉपीराइट्स है ना तो ये सब क्या होते हैं इनटेंजिबल एसेट्स व्हिच कैन नॉट बी सीन और टच्ड

जिबल्स इन टसेट्स दट नो लिमिटेड लाइफ इज नॉट अप्रूव्ड बाय समाउंस डू एमोटाइज सच एसे ग्राउंड ऑफ कंजर्वेटिज्म बोल रहे कुछ अकाउंटेंट जो है इन टेंजेबल एसेट जो कि जल्दी राइट ऑफ होने वाले रहते हैं उन लोगों की अकाउंटिंग नहीं करते क्योंकि कुछ अकाउंटेंस कंजर्वेटिज्म के प्रिंसिपल को लगा के करते हैं क्या बोलता है मतलब तुमको लग रहा है कि आगे चल के मेरे को कोई फायदा होगा मत लिखना अपने है ना अंदाजा लगाना. तो एंटीसिपेटेड लॉस के लिए तुम प्रोवाइड करोगे एंटीसिपेटेड प्रॉफिट कभी प्रोवाइड नहीं करोगे एस अ गुड अकाउंट है ठीक है डिप्लीशन मतलब होता है जैसे तुम लोगों की कोल माइन्स वगैरह होती है ना अनलिमिटेड है पेट्रोलियम अनलिमिटेड है है कुछ लिमिटेशन है ना तो जैसे जैसे निकालते जाऊंगा जमीन से कम होगा नहीं होगा Depletion बोलते क्या बोलते बोलते क्या हैं हैं डिप्लीशन मतलब एक माइन माइन है कोल की जैसे हमारे भी पास में कोरबा एक माइन है है ना तो जो हमारी माइन है वहां का जब धीरे धीरे करके हम एक्सट्रैक्ट करते जाते हैं कोल और धीरे धीरे वो खत्म होते जाता है तो वहां भी रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ माइन होते जा रहा है मतलब रिडक्शन इन द कोल इन द माइन होते जा रहा है, है ना तो ये क्या होता है डिप्लीशन ठीक है डिप्लीशन जो कि एक्सट्रैक्टेड सोर्सेज uh, होते हैं उन लोगों को धीरे धीरे कम होना देखो दिस मेथड स्पेशली यू सुटेड टू माइन्स ऑयल वेल्स क्वेरीज सैंड पेड्स एंड सिमिलर एसेट ऑफ वेस्टिंग कैरेक्टर दिस मैथड द कॉस्ट ऑफ द एसेट डिवाइडेड बाई द टोटल वर्केबल डिपॉजिट ऑफ द माइंड एंड बाय द फॉलोइंग द अब मैनर रेट ऑफ डेप्रीसिएशन कैन बी एसर्टेड तो सिंपल सी बात है यहाँ पर तुमको दिया होगा माइंस का डेप्रीसिएशन कहाँ है

तो टोटल कॉस्ट माइनस क्रैप अपॉन जो तो तुम्हारी टोटल एक्सपेक्टेंसी है आउटपुट की उस माइन से निकलने की जब माइन खोदते हैं ना जब माइन खोदते हैं एक्सपेक्ट कर लेते हैं कितना वहां से निकाल पाएंगे कितना टन क्विंटल्स बिलियन क्विंटल वहां से निकाल पाएंगे एक्सपेक्टेशन होता है तो वही एक्सपेक्टेशन यहाँ लिए जाती है एस्टिमेटेड टोटल आउटपुट मतलब कितना निकाल सकता हूँ बाहर एस्टिमेटेड एवरी एवरीथिंग इज एस्टिमेटेड हियर ये भी एस्टिमेटेड कॉस्ट है

अपॉन बीस हजार पांच हजार डिवाइडेड बाय बाईस बाईस पांच सौ क्या गया मेरा डिप्लीशन डिप्लीशन जो कि जो कि एक डेप्रीसिएशन होता है ऑयल वेल्स और कोल्स का ठीक है समझ तो ऐसे निकलता है

Estimated total life of asset लेते उससे एक साल का depreciation निकालते थे ना हम estimated total hours भी तो और जितने आर मशीन चली है उससे निकल जाएगा अगर मेरे को घंटे के पे निकालना है तो निकाल सकता हूं ना घंटे के बेसिस पे ऐसे भी निकाल सकता हूँ क्या होता है लॉस ऑफ यूजफुल चेंज हो गई मशीन क्या हो गई outdated हो गई काम की नहीं रही है इम्प्रूवमेंट इन द प्रोडक्शन चेंज इन मार्केट डिमांड प्रोडक्ट आउटपुट ऑफ सर्विस और लीगल और मेडिकल और अदर बात है मार्केट डिमांड ही चेंज हो गई ठीक है लोगों का टेस्ट ही चेंज हो गया अब मेरी मशीन उस कैपेबल नहीं है कि वो उनका वाला टेस्ट बना सके तो ऑप्सो हो गई क्या हो गई ऑप्सो हो, हो गई ठीक है इज अंस डेप्रीसिएशन और एग्जॉस्टन एंड टर्म्स रिफर्स टू दशन कंडीशन बोल रहा है ये जो टर्म है वो बाकी सारे नॉर्मल वियर एंड टीयर एग्जॉशन डिट्रॉइशन मतलब मशीन बर्बाद हो जाना तबाह होना होना होता है तबाह होना इन सब टर्म से अलग है क्योंकि अगर इन सब टर्म्स की बात करूँ तो सारे टर्म्स फिजिकल फिजिकल फैक्टर्स हैं नॉर्मल वियर एंड फैक्टर है, है एक्सीडेंट होना फिजिकल फैक्टर है मशीन एग्जॉस्ट हो जाना फिजिकल फैक्टर है पर ऑब्सोलेंस क्या है नॉट अ फिजिकल फैक्टर है ना ये टेक्नोलॉजिकल फैक्टर है यहाँ मशीन को कोई फिजिकली डैमेज नहीं हुआ है बस क्या हो गई टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो गई डिलेपिडेशन इन वन सेट इन सेंटेंस डिलेपिडेशन मीन्स डिट्रोशन टू ओल्ड एज एंड यूज यूज दिस टर्म्स डैमेज डन टू अ बिल्डिंग अदर प्रॉपर्टी ड्यूरिंग टेनेंसी टेनेंसी सिंपल सी बात है कि tenancy मतलब क्या होता है रेंट आउट किराए से देना ठीक है तो जब तुम्हारी मशीन या तुम्हारा कोई बिल्डिंग ड्यूरिंग द टेनेंसी और ड्यूरिंग द लाइफ ड्यूरिंग द लाइफ पर बाद होता है डिट्रोइट होता है घर देखो मस्त सुंदर नया नया बनता है पांच छह साल बाद दिखता है दीवारों से उधर से पपड़ी गिर है ना इधर सीपेज हो गया है आधी दीवार में कभी किसी का छत वत भी गिर जाता है है ना ये क्या होता है होती प्रॉपर्टी बाय द यूसेज यूज यूसे, यूसे करते 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 क्या होती जाती है वो खत्म होते जाती है धीरे धीरे चाहे वो बिल्डिंग ही क्यों ना हो चाहे कोई कितना भी अच्छा बिल्डिंग क्यों ना 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 सबके साथ ये होता है ना धीरे धीरे फिर हमको क्या कराना पड़ता है टाइम टू टाइम उसको रिपेयर्स और मेंटेनेंस करवाना पड़ता है ना तो वो चीज़ है ठीक है अब देखो कॉज ऑफ एप्रीसिएशन क्या क्या होते हैं इंटरनल कॉज बी आर एन टी और डिप्लीशन एलिमेंट है और अब नॉर्मल है तो जबरदस्ती में बांटा है, है? जबरदस्ती वो किया है और डिप्लीशन एक अलग ही टर्म है, है ना? जो कि हम लोग कोल माइंस वगैरह में यूज तो देखो वीआर मतलब क्या होता है ये सारी चीज यूटिलिटी ड्यू टू वाइब्रेशन केमिकल रिएक्शन नेग्लीजेंट हैंडलिंग रशिंग ठीक है तो बोल रहे हैं मतलब यूज करते टाइम जो होता है यूज करते टाइम जनरली क्या होता है कुछ इधर उधर हो जाता है मशीन में या मशीन अपने आप वो होने लगती है पुरानी होने लगती है तो मिसबिहेव करने लगती है जैसे हमारी गाड़ी नहीं नहीं आती रहती फर्स्ट सेल्फ स्टार्ट में चालू होती है पर पाँच छः साल बाद वो नहीं होती है कई बार की भी मारना पड़ता है है ना तो वही बोल रहा है यूटिलिटी ड्यू टू वाइब्रेशन केमिकल रिएक्शन नेग्लिजेंट हेल्डिंग रसिंग एक्सेट्रा ठीक है तो वही रसिंग मतलब रश यूज करना मतलब अच्छे से यूज नहीं करना जैसे तुम देखे देखो दो लोग सेम दो लोग सेम टाइम पे गाड़ी खरीदते एक जन की गाड़ी छह महीने बाद तुमको हो सकता है वर्स्ट कंडीशन में दिखे बिकॉज बिकॉज ऑफ ऑफ सम एक्सीडेंट रश है ना बट दूसरे की गाड़ी दस साल चल रही है और वो दो कौन होंगे एक टीन होगा और एक अंकल होंगे अंकल कितने स्पीड में गाड़ी चलाते तीस उनके लिए धूम मचाले है चले चले और उनका मीटर देखोगे ट्वेंटी फाइव की स्पीड कैसे लगता है बाबा कुछ ज्यादा तेज नहीं चला रहा फिर और धीरे कर देते बीस तो फिर धीरे से गलती से गाड़ी पच्चीस से ले प्यार से हैंडल करते हैं गाड़ी को। हैंडल करते है? प्यार से हैंडल। लेकिन वही अगर कोई टीनेजर हो मैं अपना एग्जाम्पल नहीं लूंगा है, टीनेजर हो तो अस्सी की स्पीड में अरे अरे क्या खटारा टिवेर अस्सी के ऊपर जाती नहीं अस्सी में भी वो खटारा बोल रहा हो अस्सी की स्पीड में भाग रहा है फिर भी खटा ठीक है तो रश यूज डिप्लीशन यूटिलिटी और

तो मेरे को अगर यहां बनाना है इतना बनाना है मेरे को तो यहां से सीधी लाइन खींचूंगा कौन से प्लांट बेस्ट है प्लांट वन जिस प्लांट से टकराएगा वो प्लांट बेस्ट है प्लांट वन लेकिन अगर मेरे को यहां बनाना है तो देखो यहां प्लांट टू से भी टकरा रहा है और प्लांट वन से भी टकरा रहा है बताओ कौन सा प्लांट बेटर है ये कॉस्ट शो कर रहा है ये कॉस्ट शो कौन सा प्लांट बेटर है देखो प्लांट टू में इतना कॉस्ट लगेगा जब प्लांट वन में इतना कॉस्ट लगेगा किसमें ज्यादा लग रहा है वन में ज्यादा लग रहा है यस प्लांट वन में ज्यादा खर्चा हो रहा है तो कौन सा प्लांट बनाऊंगा मैं प्लांट टू बनाऊंगा है ना तो तुम देख रहे हो आउटपुट बढ़ाया तो प्लांट वन अब कोई काम का नहीं है जबकि आउटपुट कम था तो प्लांट वन में कम खर्चा हो रहा था है ना पर प्लांट टू अब प्लांट टू में करूंगा मैं ठीक है ये देखो अगर प्लांट वन यहाँ तक गया ये बनाना है मेरे को प्लांट थ्री प्लांट टू फिर प्लांट वन तीन ऑप्शन है मेरे पास सबसे कम खर्चा किसमें लग रहा है प्लांट थ्री में है ना तो वही तो जैसे जैसे मैं आउटपुट का रिक्वायरमेंट चेंज करता हूं मेरे को भी करना क्या करना पड़ता है प्लांट भी चेंज कर क्यों क्योंकि उस टाइम पे प्लांट टू या प्लांट वन क्या हो जाते हैं इन हो जाते हैं क्या हो जाते हैं इन मतलब मेरा खर्चा बढ़वा देंगे मेरा खर्चा बढ़वा देंगे तो वही चीज बोल रहा है चेंज इन स्केल ऑफ प्रोडक्शन और वॉल्यूम मेल लीड्स टू डिस्कार्डिंग एन एसेट तो सिंपल सी बात है क्योंकि मेरे को प्रोडक्शन का स्केल चेंज करना है तो मैं प्लांट टू को क्या कर दूंगा

दस साल बाद यूज करेंगे तो पहली बात तो चालू नहीं होगी तो 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 ऐसी आवाजें करेगी साइलेंट गाड़ी अच्छा खासा आवाज करने लगी चिल्ला चिल्ला के बोले तो अब मेरे से ना हो पाएगा मैं बूढ़ी हो गई हूँ तो की वैल्यू कम होती है इसलिए बोल रहा है कि जैसे मान लो मैं कोचिंग पढ़ाना अभी के लिए छोड़ दू ठीक है अब पांच साल बाद में फिर से कोचिंग डालू तो क्या अभी जो इतनी डिमांड उतनी रहेगी ना क्यों क्योंकि अभी मेरी कंसिस्टेंटली गुडविल चलते आ रही है पिछले पांच साल से हर साल वो बढ़ते जा रही बढ़ते जा रही बढ़ते जा रही बिकॉज ऑफ रिजल्ट है ना बढ़ते जा रही तो अभी मैं पीक पे हूं और अभी और आगे जाना है पर अचानक से मैं एक ब्रेक ब्रेक ले passage of time. Break ले टाइम तो मेरी गुडविल बढ़ाने के लिए मैं कुछ कर ही नहीं रहा मेरी गुडविल बढ़ाने के लिए मैं अगर पढ़ा नहीं रहा हूं तो मेरी गुडविल नहीं बढ़ेगी कोर्स रिजल्ट नहीं आएगा ठीक है पांच साल बाद मेरी एक्सपेक्टेशन रहेगी कि नहीं अभी मेरी जितनी डिमांड है मार्केट में सुबह से रात तक मैं कोचिंग पढ़ा लेता हूं इतनी ज्यादा डिमांड है उसके बावजूद एक्स्ट्रा लोगों की डिमांड आती है ठीक है वही डिमांड पांच साल बाद आएगी क्या नहीं क्योंकि लोग भूल गए रहेंगे

जेई और नीट का एग्जाम करवा रहे पता है जेई और नीट का एग्जाम करा रहे तो मैं एक वीडियो देखा था यूट्यूब ठीक है उसमें मैं देखा तब मैं सर्च किया नेट में ठीक है इस बारे में आसाम और बिहार में जो बच्चे देने वाले होंगे जेई नीट का एग्जाम उनका जैसे ये मान लो घर है तो ये उनके घर की ये विंडो है ठीक है ये घर उनकी विंडो है उस विंडो में उन लोग धागे से अपने सामान को बांध के रखे रस्सियों से क्यों क्योंकि उनके घर में यहाँ तक पानी भरा यहाँ तक ये देखा उन लोगों के जो नॉर्मल रूम्स हैं ठीक है है उनके नॉर्मल रूम्स वहां रूम में इतनी कंडीशन कंडीशन कैन नॉट टेल ठीक है पर बल्ब लाइटें जल रही मेरे को तो लाइटे वाइटे करंट का इशू ना हो जाए है ना स्विच बोर्ड वगैरह दिख रहा है घर में यहां यहाँ तक पानी तैर रहा है और पटिया लगा के रखे हैं ऐसे करके और पटिया के ऊपर अपना अलमीरा वगैरह या अपना जो भी सामान है उसको रखे हैं बेड जो है पटिया के ऊपर तो रात को लोग सोते भी हैं तो वहीं नीचे पानी रहता है मतलब लोग उतरते होंगे तो पूरा पैर गीला वॉशरूम इतनी वर्स्ट कंडीशन मतलब इफ़ वी कैन ट्राई टू इमेजिन द सिचुएशन तभी हम लोग डर जाए देखो गुजबम से आ गए मेरे को तुरंत हम लोग डर जाए इतनी खराब सिचुएशन वहां वो लोग रह रहे हैं और उसके बाद जेई और नीट के एग्जाम होने वाले इवन सी एम ए के स्टूडेंट्स भी अगर होंगे आसाम और बिहार से कभी छह सितंबर को एग्जाम है वहाँ नेटवर्क की क्या सिचुएशन है किसी को नहीं पता हर जगह तो बाड़ा ही है नेटवर्क आ रहा होगा कि नहीं नहीं पता वो भी क्या सीन है अच्छे से आ रहा होगा कि नहीं वो भी नहीं पता सिचुएशन खराब है वहाँ

सबसे पहले ये बताओ फिक्स इंस्टॉलमेंट इक्वल इंस्टॉलमेंट ओरिजिनल कॉस्ट और स्ट्रेट लाइन मैथड चारों एक ही मैथड का नाम है ठीक है चाहे वो फिक्स इंस्टॉलमेंट बोले चाहे वो इक्वल बोले चाहे वो ओरिजिनल बोले और चाहे वो एस एल एम बोले स्ट्रेट लाइन मैथड कॉमनलीस एल एम मैथड एक ही तरीका है जहां हमेशा फिक्स परसेंटेज ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट होता है डेप्रीसिएशन समझ में आया इसका फॉर्मूला क्या होता है इसका फॉर्मूला होता है डेप्रीसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू स्क्रैप वैल्यू क्या होती है मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि ये एसेट जब पूरे तरीके से यूज हो जाएगा और खत्म हो जाएगा जब मेरे ये कोई काम का नहीं रहेगा तब ये टीना लोहा वाले को कितने में बिकेगा तो दैट इज व्हाट स्क्रैप वैल्यू कबाड़ी वाले को कितने में बिकेगा ठीक है अपॉन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट तो समझ में आया जैसे मान लो मैं एक लाख रुपए का एसेट खरीदा मैं बोला उसकी बीस हजार रुपए स्क्रैप वैल्यू होगी जब मैं उसको बेचूंगा पूरा खत्म होने के बाद पूरा खत्म और मैं बोला ये एसेट मैं दस साल चलाऊंगा एस्टिमेटेड यूजफुल है तब एस्टिमेटेड है ना एवरीथिंग, हो सकता है कबाड़ी में पंद्रह में बिके हो सकता है कबाड़ी वाले पास पच्चीस में बिके बट वॉट आई एम डूइंग इस बस ये कॉस्ट एक्चुअल रहेगा क्योंकि कॉस्ट तो मेरे को पता रहेगा ना कितने मशीन

तो पहले साल आठ हजार दूसरे साल आठ हजार तीसरे साल आठ हजार आठ 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 करके दस साल अस्सी हजार एसेट खत्म ठीक है दस साल तक डेप्रीसी कटेगा आठ हजार हर साल कटेगा मैंने एस्टिमेट किया था एसेट अस्सी हजार की होगी क्योंकि बीस हजार उसकी स्क्रैप वैल्यू है अस्सी हजार रुपये डेप्रीसिएशन खत्म ये मेथड का ये सबसे बड़ा लूप फॉल है ये एसेट की वैल्यू को जीरो कर देता है और इवन अगर वो एसेट सोच के देखो एक बार सोच के देखो अकाउंटेंट हो ग्यारहवें साल तक अगर ये एसेट चलता तो लिटरली इस एसेट की वैल्यू नेगेटिव आती

तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और एसेट की वैल्यू बढ़ना चालू हो जाएगी और ऐसा पॉसिबल है नहीं पॉसिबल है समझ में आया तो वही चीज है है ये वाला मेथड इसलिए क्रिटिसाइज किया जाता है। और सबसे ज्यादा यूज हुआ जाता है डिमिनिशिंग और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड ठीक है इसका फॉर्मूला ऐसा है पर इसका फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है सिर्फ तुमको एमसीक्यू में पूछ सकता है या एक मार्क्स में छोटू सा क्वेश्चन आ जाएगा जिसमें बोलेगा डब्ल्यू का डिप्रीशिएशन निकाल के लिए तभी ये फॉर्मूला तुमको ठीक है है तो इसका होता माइनस एन रूट में नेट रेसिडुअल वैल्यू अपॉन कॉस्ट ऑफ इससे तुम्हारा आ जाएगा, वो परसेंटेज तुमको हर साल लगाना है, इस पे? में, है ना याद है बैलेंस इस पे बैलेंस डाउन है ना बैलेंस डाउन करते, उसी, को अगले साल करते और उसी में हम लोग क्या करते थे डेप्रीसिएशन लगाते थे साल का है ना वो फिक्स परसेंटेज जैसे मान लो दस परसेंट है

फिर माइनस होगा कितना बचेगा एट्टी समझ में दस हजार कितना, कितना बचा नब्बे फिर से कितना लगेगा दस परसेंट लेकिन गेम क्या है इसी पे लगेगा हर साल किस पे लगता है कॉस्ट पे लगता है तो क्या कहलाता है एस एल एम बिकॉज ऑफ स्ट्रेट लाइन मैथ हर साल कॉस्ट पे ही डेप्रीसिएशन है ठीक है लेकिन डब्ल्यू डीबी में हर साल जो रेसिडुअल वैल्यू होती है जो रिटर्न डाउन वैल्यू होती है एसेट की उसको रिटर्न डाउन वैल्यू बोलो रेसिडुअल वैल्यू बोलो तो बोलो ठीक है उस उसपे लगता है ठीक है तो कितना लगेगा फिर से फिर दस हजार लगेगा फिर माइनस होगा फिर अस्सी हजार बजेगा कोई फर्क नहीं पड़ता फिर से दस हजार लगेगा कॉस्ट पे ही लगता है डेप्रिसिएशन एस एल एम में हमेशा कॉस्ट पे ही लगता है क्या डेप्रीसी देख लो डिफरेंस एक डब्ल्यू लगा है सेवेंटी टू नाइन हंड्रेड दिख रही ये ज्यादा कौन सा ज्यादा प्रैक्टिकल है ये वाला कौन सा ज्यादा प्रैक्टिकल है कौन सा कंपनी ज्यादा यूज़ करती है डब्ल्यू डी क्यों क्योंकि डब्ल्यू डी भी एसेड की वैल्यू को जीरो नहीं करता विच इज मोर प्रैक्टिकल एज कम्पेयर टू एस एल एम जो जीरो कर देता है और अगर एसेट ज़्यादा चल गई तो नेगेटिव भी कर देगा नेगेटिव भी कर देगा समझ में ही बात ठीक है ये चीज ध्यान में रखना का तो फॉर्मूला ये है अगर क्वेश्चन आया या एन मीन्स होता है लाइफ ऑफ एसेट ठीक है एन मीन्स लाइफ तो अगर क्वेश्चन आता है तो यू कैन यूज दिस फार्मूला टू फाइंड द

दस घंटा एक दिन का है और मेरे जो वर्किंग डेज है वो पूरे साल के मैं डोमिनोज पिज्जा वाला हूँ ठीक ट्वेंटी फोर इंटू सेवन इंटू सेवन नहीं थ्री सिक्सटी फाइव डेज मेरी सर्विस मिलती है काली के दिन भी आप ऑर्डर कर सकते हैं तो मैं बोला मैं थ्री सिक्सटी फाइव डेज अपनी मशीन चलाता हूँ और दस साल चलेगी है ठीक है तो दस घंटा दस साल थ्री सिक्सटी फाइव डेज कितना हो गया थ्री सिक्स फाइव जीरो जीरो आर्स इस मशीन का घंटा हो गया ठीक है इतने घंटे मशीन चलेगी और अगर इस साल में इस मशीन को पाँच सौ घंटे चलाया तो कॉस्ट ऑफ मशीन माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल आर जो ये मशीन चलेगी इनटू इस साल कितने घंटे चली तो क्या आ जाएगा इस साल का क्या आ जाएगा इस साल का क्या आ जाएगा ज्ञान मुद्रा में ठीक है नेक्स्ट प्रोडक्शन यूनिट मेथड ठीक है इसमें भी तुमको क्या लेना है एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू स्क्रैप वैल्यू हम क्यों माइनस करते हैं हमको पता है स्क्रैप क्या कराएगा हमारा कॉस्ट को रिकवर करवाएगा रिकवर होगा ना स्क्रैप से लोहा तो कुछ तो बचेगा मशीन का पुर्जा तो बेचूंगा तो स्क्रैप से कुछ रिकवरी होगी हमारा फोन हम खरीदते हैं दस बीस पचास हजार रुपए का तो बेचते हैं तो कुछ रिकवरी होती है पांच हजार की पांच दस हजार की रिकवरी होती है है ना तो वही चीज रिकवरी वाला एज्सन यहाँ पर भी लिया जाता है ठीक है डिवाइडेड बाई एस्टिमेटेड टोटल आउटपुट इंटू एक्चुअल आउटपुट ठीक है प्रोजेक्ट बेसिस पे है यूनिट बेसिस प्रोजेक्ट मतलब होता है कितना यूनिट मैन्युफैक्चर हुआ तो वही डिप्लीशन वाला फॉर्मूला लग जाएगा ठीक है क्योंकि यूनिट बेसिस में तो टोटल आउटपुट इंटू एक्चुअल आउटपुट टोटल आउटपुट कितना हो सकता है डिवाइड बाय और सम ऑफ इयर्स में सिंपल सी बात है ठीक है अ वेरिएंट ऑफ रिड्यूसिंग बैलेंस इसमें ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू बात यहां पर वही होगी ठीक है इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ द करंट लाइफ ऑफ द एसेट नंबर ऑफ इयर्स ऑफ द करंट लाइफ ऑफ द एसेट देखो तुमको इसको याद करना पड़ेगा ठीक है और सम ऑफ ईयर ऑफ द डिजिट लाइफ ऑफ द एसेट ठीक है तो ये ये वाला फॉर्मूला हो गया वैसे तो इस कैलकुलेशन सी फाउंडेशन में है इन इन लोगों की सारे बुक में कुछ so formula, तो जस्ट रिमेंबर द फॉर्मूला बाई चांस वन मार्कर आए यू कैन क्रैक बाई चांस वन मार्कर आए तो यू कैन क्रैक सिंपल और वन मार्कर भी आएंगे तो तुमको डायरेक्टली सारी वैल्यूज दिए रहेगी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है सिर दर्द मेरे हिसाब से तो वन मार्कर भी नहीं आना चाहिए पर आए भी तो डायरेक्टली तुमको वैल्यू दिए रहेगी और ये देखो सम ऑफ ऑफ डिजिट का फॉर्मूला दिया एन एन प्लस वन अपॉन ठीक है हमको पता है ये वाला फॉर्मूला हम लोग एपी जी पी में पढ़े ठीक है तो अब देखो अब अब हमको पढ़ना है फाइनली स्ट्रेट लाइन मेथड के क्या फीचर्स है हर साल सेम डेप्रिसिएशन होता है स्ट्रेट लाइन मेथड हर साल सेम अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन होता है ठीक है हाँ ये सेकेंड लाइन में भी तो वही वाह फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन वही है ठीक है वैल्यू ऑफ एसेट माइनस क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ समझ में आ गई बात ठीक है

हर साल का अमाउंट क्या होते जाता है कम होते जाता है कि हर साल एसेट की वैल्यू कम होती जाती है और हम मैं किस पे लगाता हूं एसेट की के उपर, ठीक है इसका वही है माइनस माइनस एन ब्रैकेट के अंदर नेट रेसिड्यूअल वैल्यू अपॉन कॉस्ट ऑफ एसेट एग्जाम्पल देखो इफ अ प्लांट कॉस्ट सोलह हजार रुपए सोलह हजार रुपए ठीक है विद एन एस्टिमेटेड सैलवेज वैल्यू ऑफ दो हजार ये देखो क्या मिल गया ये मेरे को

कंप्यूट रेट ऑफ डेप्रीसिएशन ठीक है तो सिंपल सी बात है वन माइनस तीन साल क्या है तीन साल क्या है उसके एस्टिमेटेड यूजफुल ब्रैकेट के बाहर रहेगी ठीक है दो हजार रेसिडुअल वैल्यू अपॉन सोलह हजार तो आप लोग कैलकुलेट करोगे ये देखो यहाँ दिया हुआ है फिफ्टी परसेंट आ जाएगा समझ में आया फिफ्टी परसेंट आ जाएगा ठीक है तो ऐसे निकालते हैं अब मैथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग करना है प्रोविजन ऑफ अकाउंट इज मेंटेन प्रोविजन फॉर अकाउंट बट नॉट चलो अब मैं बताता हूँ तुमको प्रोविजन फॉर अकाउंट इज मेंटेन नॉट मेंटेन तो मैं पहले बताऊंगा नॉट मेंटेन ठीक है जैसा कि प्रोविजन फॉर अकाउंट नॉट मेंटेन मतलब नॉर्मल सिंपल तरीका है एक बात बताओ डेप्रीसी किसके ऊपर लगाता हूँ एसेट के ऊपर लगाता हूँ तो एप्रीसी लगाने के लिए क्या मेरे पास एसेट होना चाहिए क्या पहले एसेट खरीदना पड़ेगा तो क्या डेप्रीसिएशन दिखाने के लिए तुमको एसेट खरीदू मैं पहली एंट्री क्या होगी कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट आ, एनी एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट क्या किया मैं एसेट परचेजेट समझ में में, आया? हम रॉ एग्जांपल लेंगे, एक लाख का एसेट 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 ठीक है? है है, बाद परचेज परचेज हो गया, अब बात बताओ, दिन लगता लगता कि साल के अंत पे लगता। पे एंड लगेगा आखरी दिन पता चलेगा, मशीन कितनी यूज हुई, या जो भी चीज यूज कर रहा था कितना दिन पता चलेगा? लास्ट 31 us, जो ईयर है वो एक

हजार में मान लिया डेप्रीसिएशन ठीक है चार्ज ऑन एसेट ठीक है तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट ठीक है एसेट की वैल्यू कम हो गई दस हजार से और ये डेप्रीसिएशन कहा जाता है ट्रेडिंग अकाउंट पीएनएल अकाउंट पीएनएल अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रीसिएशन अकाउंट ये ट्रांसफर हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दस हजार रुपए दस हजार रुपए ट्रांसफर्ड एनएल अकाउंट ठीक क्लियर है ना तो ऐसे एंट्री पास करता हूँ जब प्रोविजन अकाउंट मेंटेन नहीं हुआ कहीं इन्वॉल्व हुआ क्या प्रोविजन अकाउंट नहीं पर अगर प्रोविजन अकाउंट आता तो पहले मतलब बताएंगे प्रोविजन अकाउंट क्या होता है प्रोविजन अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जिसको लक भी बोलता क्या बोलता हूँ गुल्लक है ना प्रोविजन इन शॉर्ट अ गुल्लक ठीक है तो जैसे जैसे मैं मशीन यूज करते जाता हूँ मुझे पता है मशीन की वैल्यू कम हो रही है, है ना मैं अकाउंटेंट हूँ तो एक बात बताओ मशीन क्या ऐसी रस्ता चलते किसी दिन मेरा फ़ोन खराब हो गया तो क्या मेरे पास ऐसा रहता है कि, कि हाँ चलो नया फोन ले लेता हूँ क्या दिक्कत खराब हो गया तो नहीं अच्छा बल्कि अमाउंट है ना फोन परचेस करना इज अ बल्कि अमाउंट तो मशीन परचेस करना इज ऑल्सो बल्कि अमाउंट ऐसी पचास हजार एक लाख की आ जाती है मशीन लाखों रुपए की मशीन आती होगी प्लांट वगैरह है ना लाखों रुपए की तो कंपनियां क्या करती प्रोविजन अकाउंट में फुल लाख पता है हर साल डेप्रीसिएशन कितना कट रहा है तो ये क्या करती है जितना डेप्रीशियन कटता है उतना ही सौ रुपए निकाल के प्रोविजन अकाउंट में डाल देती है

तो ऐसे क्या हो रहा है ना डेप्रिसिएशन करते 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 जब मिश... जब मशीन खत्म हो जाएगी उस दिन मेरे पास मेरे को अपनी सेविंग्स नहीं निकालनी पड़ेगी क्यों क्योंकि मेरे पास तो गुल्लक है ना ऑलरेडी जिसमें मैं पैसा हर साल डाल दे रहा था कि नहीं जैसी मशीन खत्म होगी मेरे पास तो रेडली अवेलेबल रहेगा पैसा है ना कंपनी वाले ऐसा करते हैं हम लोग नहीं करते पर कंपनी वाले ऐसा करते हैं क्यूं? क्यों क्योंकि उनको एक बार में बल्कि अमाउंट एक्सपेंड करने से अच्छा हर साल थोड़ा थोड़ा अमाउंट निकाल के क्या करते रहो डेप्रिसिएशन के इक्वल अमाउंट प्रोविजन अकाउंट में डालते रहो ठीक है तो प्रोविजन अकाउंट ऐसे मेंटेन होता है तो पहली एंट्री तो सेम होगी क्योंकि एसेट परचेज की एंट्री थोड़ी ना डिफरेंट हो ठीक है समझ में आप पर सेकेंड एंट्री में आएंगे बड़े बदलाव बड़े बदलाव मतलब डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट तो होगा ही क्योंकि ये मेरा एक्सपेंस है थोड़ी ना इनकम बन जाएगा है ना तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट मतलब लॉस है डेप्रीसीशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रीसी अकाउंट हो जाए प्रोविजन फॉर डेप्रीसी वही एग्जांपल ले लेता हूँ दस हजार दस हजार वाला ठीक है तो ये क्या हो जाएगा प्रोविजन फॉर डेप्रीसी ठीक है फिर थर्ड एंट्री क्या हो जाएगी पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रीसिएशन अकाउंट वो डेप्रीसिएशन पीएनएल ही जाएगा वही दस हजार वही दस हजार गाइस फील कर पा रहे हो व्हाट इज डिफरेंस यहां पर एसेट था यहाँ प्रोविजन आ गया बस ठीक है बस ठीक है अब इसका तुमको ये दो अकाउंट चेंज होता है तो जब एसेट सेल होता है बेसिकली जब एसेट बेचोगे तब तुमको कुछ डिफरेंस वहां पर फील करना पड़ेगा हाँ ये डिफरेंस आ रहा है दोनों भी मेथड में मेंटेन करते टाइम ठीक है तो इतना तो तुम अभी के लिए जान लो तो बेटर होगा देखो बुक में भी वही है डेप्रीशन प्रोविजन फॉर डेप्रीशन अकाउंट एसेट डिस्पोजल अकाउंट इज नॉट नॉट ओपन एसेट डिस्पोजल अकाउंट इज नॉट ओपन ये दोनों भी केस में सेम ही होगा देख लो बस एसेट और प्रोविजन इतना ही चेंज है बाकी चीज सेम है

तो वैसे ट्रायल रन का खर्चा भी एसेट में ही ऐड होगा क्योंकि वो ट्रायल रन पहली बार ट्रायल हो रहा है कि चलती चल रही कि नहीं मशीन तो मशीन उठाए टेम्पो में डाले टेम्पो फैक्ट्री में लाया दस लेबर बुला के मशीन को उतरवाए खोजवाए जमीन को जमीन में गढ़वाए इंस्टॉल करवाए फिटिंग करवाए ठीक है अगर सेकेंड हैंड मशीन थी तो रिपेयर भी कराए हो सकते हैं है ना सेकेंड हैंड मशीन होगी तो हो सकता है रिपेयर भी करवाए हो एक्सपर्ट को बुलाए ट्रायल रन करवाए भी खर्चा हुआ सारा किस में उस एसेट में ही ऐड हो जाता समझ में बात याद है ना चलो प्राइस परचेज प्राइस ऑफीन एक लाख अस्सी हजार है इंस्टॉलेशन दस हज़ार रेसिडियल वैल्यू सोलह हजार यूज फुल लाइफ पांच हजार बोल रहेशन फॉर थर्ड ईयर निकालो अंडर स्टेट एंड मेथड तो मेरे को एक बात हो तो थर्ड ईयर बोल रहा है ऐसे कुछ डेप्रीसिएशन अलग, अलग अलग आता है क्या में नहीं तो फर्स्ट ईयर का जो डेप्रीसिएशन आएगा वही थर्ड ईयर का है ना वही सेकंड ईयर वही थर्ड ईयर वही फोर्थ ईयर वही फिफ्थ ईयर पांच साल की लाइफ है तो पांचों साल का डेप्रीसिएशन तो सेम होता है है ना कैसे निकलेगा बोलो फॉर्मूला डेप्रीसिएशन इज इक्वल टू इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एसेट ठीक है कॉस्ट ऑफ एसेट क्या क्या ले लू एक लाख अस्सी हजार टेम्पो भाड़ा इंस्टॉलेशन में लग गया दस हजार इतना हो गया एक लाख अस्सी प्लस तीस दो लाख दस प्लस दस दो लाख तीस हजार ये क्या हो गया कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस क्रैप वैल्यू दिख रही सोलह हजार रेसिडअल वैल्यू सैलवेज वैल्यू तीनों का मतलब सेम होता है बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ इसको हम करते हैं कैलकुलेट दो लाख बीस हजार माइनस सोलह हजार डिवाइडेड बाय फाइव चालीस हजार आठ सौ क्या यही थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन होगा है ना पांचों साल का डेप्रिसिएशन सेम होगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है है ना फील कर पा रहे हो क्वेश्चन यस नेक्स्ट देखो

दस हजार तो दस हजार क्या है डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर मेरे को क्वेश्चन में तुम लोग फिल कर पा रहे हो रेट ऑफ डेप्रीसिएशन क्या बोला है रेट ऑफ डेप्रीसिएशन मुझे बताओ डे अपॉन कॉस्ट इन टू हंड्रेड कर दूंगा तो रेट आ जाएगा तो एक साल का डेप्रीसिएशन है तो कॉस्ट से डिवाइड करके हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर दो तो रेट आ जाएगा एक साल का डेप्रीसिएशन के कॉस्ट कितनी है एक लाख नब्बे प्लस दस इंटू टेन आ गया दस प्रतिशत है ना आया दस प्रतिशत तो ऐसे निकाल सकते हो तुम अब देखो तुम दस परसेंट ऑफ एक लाख भी निकालोगे तो दस हजार आएगा ठीक है वैसे ही सेकंड वाला देखो ओरल कैलकुलेशन चल कॉस्ट ऑफ मशीन कितनी है चौबीस तो एक्सपेंडिचर कितना है जो कैपिटलाइज करना है सात चौबीस तो कितना थर्टी वन माइनस थर्टी वन करो ट्रैप वैल्यू थर्टी वन थाउजेंड माइनस थर्टी वन हंड्रेड कितना हुआ ट्वेंटी सेवन नाइन हंड्रेड डिवाइडेड बाई एस्टिटेड यूजफुल लाइफ सिक्स कितना आया फोर सिक्स फाइव जीरो कितना करूँ कॉस्ट इन टू इन टू हंड्रेडेड बाई थर्टी वन थाउजेंड इंटू पंद्रह परसेंट क्या आ गया डेप्रीसिएशन का क्या गया? Rate आ गया रेट आ गया समझ आई बात बाकी तीनों आप लोग बाकी दोनों आप लोग करो भटाख से एकदम दो, करो दोनों चलो ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन देखते हैं थर्ड वाला देखो अ मशीन इज परचेज फॉर सात लाख ओके एक्सपेंसिव इनकर इट्स कार्टिंग इंस्टॉलेशन तीन लाख रुपए बोल रहा है अमाउंट ऑफ डेपरिशन निकालो अमाउंट ऑफ डेपरेशन बीस परसेंट पर एन है अकॉर्डिंग टू एस एल स्ट्रेट लाइन मेथड मतलब हर साल कॉस्ट पे बीस परसेंट लगेगा है ना कॉस्ट पे बीस परसेंट लगेगा

या एक जुलाई को मशीन परचेस किया हूं तो ऑफकोर्स एक जुलाई से 31 मार्च तक मशीन यूज हुई है तो जबरदस्ती पूरे साल का डेप्रिसिएशन क्यों मारूं है ना प्रैक्टिकली हम लोग अकाउंटेंट प्रैक्टिकल बात करते हैं प्रैक्टिकल बात यह है कि जितने महीने मशीन यूज हुई है डेप्रिसिएशन उतने महीने का ही लगना चाहिए है ना तो देखो 7 3 कितना हो गया 10 लाख 10 लाख का 20% 2 लाख भाई ही जमाते हो पहले केस में बोल रहा है एक अप्रैल को परचेज हुई तो क्या मशीन पूरे साल यूज हुई है हाँ तो कितना हो जाएगा दो लाख ही हो जाएगा डेप्रीसिएशन दूसरे साल एक जुलाई मतलब अप्रैल मई जून तीन महीना छोड़ के एक जुलाई को परचेज की मतलब मशीन कितने महीने यूज हुई है नौ महीने एक जुलाई से इकतीस मार्च नौ महीने तो दो लाख इंटू महीने अपॉन पूरे साल में कितने महीने होते हैं बारह महीने कितना हो जाएगा ये दो लाख इंटू नौ महीने डिवाइडेड बाय बारह महीने एक लाख पचास हजार हो गया वन पॉइंट फाइव लैख एक अक्टूबर यानी छ महीने अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च छह महीने मशीन यूज हुई दो लाख इंटू सिक्स बाय ट्वेल्व एक लाख है ना और एक जनवरी यानी तीन महीने तो दो लाख इंटू थ्री बाय ट्वेल्व थ्री फोर जा टाइव जा टी हो गया पचास हजार

ठीक है तो दो हजार तेरह को मैं अंडरलाइन करते जाता हूँ एक अक्टूबर दो हजार तेरह बीस हजार एक अक्टूबर दो हजार तेरह को एक और मशीन परचेज हुई है फर्स्ट जुलाई दो हजार चौदह को दस हजार एक और मशीन परचेज हुई है एक जुलाई दो हजार तेरह तो एक चीज समझो दो मशीन इसी साल परचेज हुई है नेक्स्ट देखो ऑन फर्स्ट फर्स्ट जनवरी दो हजार पंद्रह ऑफ द मशीन इंस्टॉल्ड ऑन फर्स्ट अप्रैल दो हजार तेरह बिकम ऑब्सोल्यूट एंड वॉज सोल्ड फॉर तीन हजार क्या बोल रहा है एक जनवरी 2015 को वन थर्ड ऑफ द मशीन इंस्टॉल्ड जो मशीन इंस्टॉल हुई थी उसका एक अप्रैल कब इंस्टॉल हुई थी एक अप्रैल 2013 को एक दो अप्रैल 2013 को कौन सी मशीन इंस्टॉल हुई है ये वाली ठीक है तो इसका जो वन थर्ड मशीन इंस्टॉल हुआ था ऑब्सोल्यूट हो गया और तीन हजार रुपए में विज्ञान ठीक है तीन हजार रुपए में विज्ञान मशीनरी अकाउंट दिखाओ और फिक्स इंस्टॉलमेंट मैथड मतलब कौन सा मैथड है एस एल एम एस एल एम से दस परसेंट एप्रिशन ठीक है तो देखो हम बनाएंगे सबसे पहले मशीनरी परचेज हुई मशीनरी अकाउंट क्वेश्चन को हम कैसे आसान बनाते ये देखना आइन नहीं की चलो देखो डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट डेट अमाउंट ठीक है तो कार्यक्रम कहां से चालू होगा एक अप्रैल 2013 से तो 2013 हजार तेरह एक अप्रैल को टू बैंक तीस हजार की मशीन परचेज हुई फिर इसी साल एक अक्टूबर 2013 को कितने की हुई दस हजार नहीं बीस हजार अब एक बात तुम समझो अगर तुमको वर्किंग नोट पर अपना समय वेस्ट नहीं तुम क्या करोगे तुमको पता है फ्यूचर में इस मशीन का वन थर्ड मशीन अलग से बिकने वाला है अभी से इसको वन थर्ड मशीन को अलग करके चल दो अभी से फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ टाइम ये कुछ ऐसा दिखने लगे का वन थर्ड कितना होता है दस हजार है. है? में में तो के अंदर ही काम हो जाएगा अकाउंट के अंदर कर नहीं करना है तो वर्किंग नोट बना सकते हो वर्किंग नोट सिखाऊंगा लास्ट में कैसे बना बाकी अब तो वर्किंग नोट नहीं बनाना पड़ेगा क्योंकि मैंने अलग कर दिया फिर इसके बाद इस साल कुछ भी नहीं हुआ कार्यक्रम ठीक है और क्या है कैलेंडर ईयर फॉलो हो रहा है है ना तो कब खत्म होगा साल 2013 31 दिसंबर मतलब जिस साल हम एक्चुअल में हैप्पी न्यू ईयर मनाने वाले रहते हैं उसी दिन खत्म होगा बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट अब देखो मशीन वन मशीन टू मशीन थ्री का अलग अलग डेप्रीसिएशन निकालेंगे दस हजार पे कितना परसेंट एसएलएम है 10 परसेंट कितना हुआ एक हजार पर क्या एक पूरे साल का लगेगा एक अप्रैल से लगेगा जनवरी फरवरी मार्च तीन महीना हटा दो नौ महीने का लगेगा ठीक है तो एक हजार इंटू नाइन बाय ट्वेल्व दस हजार लिख दिया एक हजार इंटू नाइन बाय ट्वेल्व ठीक है थ्री थ्री जै नाइन थ्री फोर जै ट्वेल्व फोर टू जै एट ढाई सौ सेवन फिफ्टी लगा डेप्रीसी तो मशीन वन में कितना लगा सेवन फिफ्टी प्लस यहाँ लिख दो मशीन नंबर वन मशीन नंबर टू में तीस हजार का कितना परसेंट दस परसेंट कितने महीने के लिए चलो टेन ऑफ हंड्रेड इंटू नाइन बाय ट्वेल्व पंद्रह सौ ये किस पे लगा मशीन टू पे प्लस मशीन नंबर थ्री अगेन बीस हजार का दस परसेंट कितना हो गया दो हजार इंटू एक अक्टूबर को परचेज हुई अक्टूबर नवंबर पांच सौ किस पे लगा मशीन से। टोटल डेपरिशियन कितना हुआ दो हजार सात सौ पचास रुपए समझ भाई बात ठीक है काम यहां पर थोड़ा बढ़ रहा है लेकिन इसका फायदा तुमको आगे चल के दिख जाएगा उसी दिन इकतीस दिसंबर को बाय बैलेंस कैरेट डाउन इसका भी अलग अलग लिखेंगे फिर साथ में लिखेंगे मशीन वन दस हजार माइनस सात सौ पचास कितना हुआ नौ हजार दो सौ पचास प्लस बीस हजार माइनस पंद्रह सौ अठारह सौ मशीन वन मशीन टू बीस हजार माइनस पाँच सौ कितना हुआ तीस सौ मशीन नंबर थ्री का तो टोटल कितना हुआ अब देखो कैलकुलेटर रहेगा इसीलिए काम आसान होगा नाइन टू फाइव जीरो प्लस अठारह सौ दस तीस पांच सौ फोर्टी सेवन टू फिफ्टी सेवन थाउजेंड टू फिफ्टी समझ में आया तो ये क्या आ गया बैलेंस डाउन ठीक है क्लियर हुई बात अब अब ये वाला साल क्लोज कर देते हैं टोटल कितना हुआ फिफ्टी थाउजेंड फिफ्टी थाउजेंड ठीक अब दो हजार चौदह एक जनवरी एक अप्रैल मत लिख देना गलती से टू बैलेंस ब्रॉड डाउन आदत से मजबूर हो ना तुम लोग फोर्टी सेवन टू फिफ्टी उतरा ठीक है अब इस साल कुछ ना कुछ कार्यक्रम हुआ था एक जुलाई 2014 को एक मशीन परचेज हुई है दस हजार रुपए की एक जुलाई को लिखता हूँ टू बैंक ये क्या हो गई मशीन नंबर फोर कितने की दस हजार रुपए की क्लियर अब फिर से इस साल नहीं बिकी ना अगले साल बिकी ना दो हजार पंद्रह दो हजार चौदाह इकतीस दिसंबर फिर से आता है बाय डेप्रीसिएशन के आखिरी दिन लगता है मशीन नंबर वन अब सबसे बड़ा फायदा यह है स्ट्रेट लाइन मेथड है सीधा कॉस्ट पकड़ो कॉस्ट कितनी थी दस हजार थी दस हजार का कितना दस परसेंट एक हजार इस साल तो पूरी यूज हुई ना इस साल तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा पिछले साल कितने महीने का लगा नौ महीने का क्योंकि पिछले साल नौ महीने यूज हुई और इस साल तो पूरे साल यूज हुई मशीन नंबर टू दो हजार मशीन नंबर थ्री दो हजार पर मशीन नंबर फोर में पूरे साल का नहीं लगा क्यों एक जुलाई जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून छह महीने बाद मतलब छह महीने यूज हुई मशीन तो एक जुलाई से एक छह महीने तो दस हजार का दस परसेंट एक हजार होता है और छह महीने के लिए निकालोगे तो कितना हो जाएगा पांच सौ रुपए प्लस फाइव हंड्रेड मशीन नंबर फोर टोटल डेप्रीशन कितना दो दो, दो, आ, दो दो चार एक पांच पांच हजार पांच सौ का यही था यही जो क्लोजिंग होता है वही ओपनिंग होता है नाइन टू फाइव जीरो माइनस एक हजार करो एट टू फाइव जीरो प्लस अठारह पांच सौ माइनस दो हजार सोलह पांच सौ प्लस उन्नीस पांच सौ माइनस दो हजार सत्रह पांच सौ प्लस दस हजार माइनस पांच सौ नौ हजार पांच सौ ये हुआ मशीन नंबर थ्री ये हुआ मशीन नंबर फोर ठीक है ऐसे ही करेंगे ठीक है अब टोटल निकाल लेते हैं इसका टोटल भी निकाल सकते हो या डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो फोर्टी सेवन टू फिफ्टी है प्लस दस हजार की है माइनस फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड सी वन फिफ्टी आएगा सी वन सेवन फिफ्टी क्रॉस चेक भी करवा देता हूँ एट टू फाइव जीरो प्लस सोलह पाँच सौ प्लस सत्रह पाँच सौ प्लस नौ हज़ार पाँच सौ सी वन सेवन फिफ्टी देखिए दोनों भी तरीके से वही आता है ठीक है तो अब ये वाला साल भी क्लोज़ करना है

Balance brought down, है अब अब इसी दिन 2015, एक जनवरी को को बैंक मशीन मशीन कितने में में बिक गई मेरे बताओ उस मशीन की डाउन वैल्यू के लिए वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा नहीं पूछो क्यों निकली पड़ी हुई है जिसको मैं मशीन वन कंसिडर करके चल रहा था दस हजार अलग कर दिया था वन थर्ड मशीन को उसकी आज जिस दिन बिक रहा है एक दिन का डेप्रीसिएशन लगाओगे क्या सुबह बिक्री हो, हो सकता है सुबह बिक्री हो ये इस दिन में रात को अकाउंट क्लोज किया इस दिन सुबह मशीन बिक गई कोई डेप्रिसिएशन नहीं एट टू फाइव जीरो लॉस हो गया है ना कितने का पांच हजार दो सौ पचास रुपए का बायल पांच हजार दो सौ पचास लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन क्या वर्किंग नोट बनाना पड़ा

बाय बाय चले गई ठीक है तो मशीन टू में कितना है अब तो डायरेक्ट लगा लेता हूँ दो हजार दो हजार और एक हजार दो हजार दो हजार प्लस एक हजार क्योंकि अब तो तीनों मशीन पूरे पूरे साल यूज किए फ्लैट लगा दो एस एल एम मेथड का ये फायदा है डब्ल्यू डीवी में थोड़ा माथा पच्ची करना पड़ता है मशीन टू मशीन थ्री मशीन नंबर फोर ठीक है तो मशीन टू की वैल्यू कितनी है? अब अलग अलग वैल्यू भी मैं नहीं निकालूंगा क्योंकि अब इस साल क्लोज कर रहा हूं तो टाइम वेस्ट क्यों करूँ दो दो डायरेक्ट पांच पांच हजार रुपए और बाय बैलेंस डाउन में बैलेंसिंग फिगर निकाल देता हूं क्योंकि तो अब मेरे को जरूरत नहीं पड़ेगी अलग अलग निकालने की कम हो गया माइनस हजार माइनस फाइव टू फाइव जीरो होगा समझ में ही बात इज अग एडवांटेज ऑफ यूजिंग दिस मेथड ठीक है समझ में बाई चांस ठीक ये नहीं करना है वर्किंग नोट वाला बताओ तो वर्किंग नोट कैसे बनता बहुत सिंपल है मशीन कितने की थी तीस हजार की थी यहाँ भी वही करना है पहले बता दे रहा हूँ जो अकाउंट के अंदर क्यों करना वही है पर वही है फिर अगर वर्किंग नोट बनाओगे तो यहाँ पर ये मशीन को तीस हजार लेके चलना एक साथ अलग अलग नहीं करना पड़ेगा ठीक है तो वह की मशीन थी इसका वन थर्ड पहले निकालो कितना हो गया दस हो गया अब इसमें माइनस करना चालू करो पहले साल कितना डेप्रीसिएशन निकलेगा दस का दस नौ महीने के लिए कितना निकाले थे सात सौ पचास फर्स्ट ईयर डेप्रीसिएशन वैसे सेकेंड ईयर डेप्रीन कितना निकलेगा दस हजार का दस परसेंट डायरेक्ट न एक हजार ठीक है ना समझ में आ रही ना बात माइनस कर देंगे इसको है ना इसी साल के बाद तो बिक गई ना सेकेंड ईयर के बाद तो बिक गई ना सेकेंड ईयर के बाद बिक गई तो ये कितना हो गया नौ हजार दो सौ पचास माइनस एक हजार आठ हजार दो सौ पचास ये क्या आ गया रिटर्न डाउन वैल्यू मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ़ मशीन आ गया माइनस तो दोनों भी तरीके में वही हुआ बस यहां पर यह हम के अंदर कर थे? अकाउंट के अंदर कर थे, और यहां पर वर्किंग नोट में हम उसको अलग से किए वर्किंग नोट बनाने में टाइम वेस्ट नहीं करना है तो डायरेक्ट अकाउंट में करें और जो कि मेरे को ज्यादा प्रेफरेबल भी लगता है समझ में हुआ